Good morning, students. How are you all? I hope you all are very good, very fine, and healthy at your home and learning all the subjects very sincerely and very interestingly. So today we'll start our new chapter, that is lesson number 10, reaching the age of adolescence. आपको पता होगा कि हमारी लाइफ में जब से कोई बर्थ लेता है, कोई इंसान बर्थ लेता है, उसके बाद लास्ट तक मीन्स वी गो थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ. जैसे आफ्टर बर्थ इन्फेंट स्टेज होती है, जब बच्चा गोदी में होता है, कुछ बोल नहीं सकता. उसके बाद वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है और अपनी चाइल्डहुड स्टेज में आता है. उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज के बाद वो टीनेज में जाता है ना. उसके बाद वो एडल्ट बनता है, एडल्ट स्टेज में एंटर करता है. उसके बाद वो मिडिल स्टेज में एंटर करता है, फिर ओल्ड एज में एंटर करता है और उसके बाद एक्सट्रीम ओल्ड एज में एंटर करता है. सो वी गो थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अवर लाइफ. और जितनी भी हमारी ये स्टेजेस होती हैं उनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडोलेसेंस. व्हाट इज एडोलेसेंस? एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे एक पर्सन का फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट होता है एंड द स्टेज कम्स इन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट. जब आपने कई बार देखा होगा कि दो भाई बहन हैं, एक टीनेजर है, एक उससे छोटा है. जब वो दोनों लड़ते हैं तो जो टीनेजर है उसे बोला जाता है कि आप अब बड़े हो गए हो, ठीक है, आप उसको समझाओ. लेकिन जब वो टीनेजर अपने से किसी बड़े से लड़ता है तो उसको बोला जाता है आप छोटे हो, आप समझना चाहिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है ना. अब वो समझ में नहीं आता उसको कि भाई मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ, बिकॉज टीन एज एक हमारी ऐसी एज होती है जो डेवलपिंग एज है. ना तो वो चाइल्ड है और ना ही वो एडल्ट है. सो दिस इज द एज ऑफ एडोलेसेंस. नाउ वी कम टू द प्यूबर्टी. एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर. जैसे कि हमने पढ़ा है कि एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें किसी भी बच्चे का, किसी भी चाइल्ड का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बीच की स्टेज होती है. और ये लिटरली इसका जो पीरियड होता है ये होता है बिटवीन 13 to 19 years. 13 to 19 years की स्टेज होती है, इसीलिए इसको टीन एज भी बोला जाता है. तो प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, वो मच्योर होते हैं, ठीक है. तो ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब एडोलेसेंस स्टेज आती है तभी प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, तभी हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होने या मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं. अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? प्यूबर्टी की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इंक्रीज इन हाइट. आपने देखा होगा कि बच्चे की जो मैक्सिमम हाइट इंक्रीज होती है वो टीन एज में होती है. अब ये जो प्यूबर्टी मैंने आपको बताया, प्यूबर्टी की एज बॉयज़ और गर्ल्स में डिफर करती है. गर्ल्स में जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है फ्रॉम 10 to 12 years ऑफ एज, और बॉयज़ में 12 to 14 years ऑफ एज. मतलब कि गर्ल्स जो है वो वहाँ पहले एडोलेसेंस स्टेज में एंटर करती है और बॉयज़ बाद में करते हैं. लेकिन फिर भी जो एडोलेसेंस होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है. आप देख सकते हैं कि आपकी क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाइट अभी इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती, वो अंडर डेवलपमेंट होते हैं. वो इसी वजह से होते हैं कि एडोलेसेंस जो स्टेज होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है. अब सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको प्यूबर्टी का बताया था, इंक्रीज इन हाइट. हाइट इंक्रीज होती है बॉयज़ और गर्ल्स में 18 इयर्स ऑफ एज तक. मतलब 18 इयर्स तक, मोस्टली 18 इयर्स ऑफ एज तक मोस्टली जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेते हैं. यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है बॉयज़ और गर्ल्स में, कि जो गर्ल्स होती हैं वो पहले के पीरियड में, मतलब जो फर्स्ट हाफ पीरियड होता है उसमें वो ज़्यादा जल्दी इंक्रीज करती हैं अपनी हाइट को, और बाद में उनकी हाइट इंक्रीज थोड़ी सी स्लो हो जाती है. जबकि बॉयज़ में स्टार्टिंग में ये प्रोसेस, हाइट इंक्रीजिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन बाद में काफ़ी फास्ट हो जाता है. लेकिन दोनों ही हाइट अपनी 18 to 19 years ऑफ एज में मैक्सिमम हाइट जो है वो अटेन कर लेते हैं. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया इंक्रीज इन हाइट. सेकेंड होता है चेंज इन वॉइस. हमारा जो लैरिंग्स होता है, वोकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो डेवलप होता है
ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। बॉयज़ में आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारा एडम्स एप्पल होता है, जो बॉयज़ बॉक्स होता है, वो प्रोड्यूडिंग आउटसाइड हो जाता है, मतलब कि बाहर प्रोड्यूड करता है, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से उनकी जो बॉयज़ होते हैं, उनकी जो बॉयज़ होती है वो लो पिच होती है और थोड़ी हॉर्स, हॉर्स मीन्स थोड़ी भारी आवाज़ होती है। जबकि गर्ल्स में क्या होता है, जब उनका लारेंक्स या उनका वोकल कॉर्ड्स अब डेवलप करता है, वो हम बाहर से नहीं देख सकते, इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन वो डेवलप होता है। उनकी आवाज़ जो होती है गर्ल्स की, वो काफ़ी हाई पिच की होती है, काफ़ी श्रिल होती है, ठीक है। हाई पिच आवाज़ जो होती है, श्रिल होगी, वो काफ़ी ऊंची होगी, वो कानों में चुभने वाली होगी, जबकि जो लो पिच आवाज़ होती है वो गूंजने वाली, मतलब थोड़ी भारी आवाज़ होती है, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है चेंज इन वॉइस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो होता है, दैट इज़ चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी की शेप में चेंजेस आ जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग। जैसे कि जहाँ पे बॉयज़ में जो है थोड़ा वो फिज़िकली मस्कुलर जो हो जाती है, उनकी फिजिक मस्कुलर हो जाती है, या फिर उनके जो चेस्ट होते हैं वो ब्रॉड हो जाती है, चेस्ट ब्रॉड हो जाती है, शोल्डर्स जो होते हैं वो भी थोड़ा सा डेवलप कर जाते हैं। गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में उनकी जो वेस्ट होती है वो ब्रॉड हो जाती है। तो इस तरह से ये चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में फिज़िकली, जो जिनकी बॉडी की शेप को जो है वो चेंज करते हैं। इसके बाद सिक्रीशन होता है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्यूबर्टी की है कि सिक्रीशन होता है सेबेशियस ग्लैंड्स का, स्वेट ग्लैंड का। आपने देखा होगा कि जो टीन एज होती है वहाँ पे कई सारे बच्चों को पिंपल्स निकल आते हैं, एक्ने निकल आते हैं, या रेड रैशेज होते हैं फेस पर। ये किस लिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनके सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं और जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑयल सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन जो होती है वो ऑयली हो जाती है, और इस ऑयली स्किन की वजह से वहाँ पे पिंपल्स उभर के आते हैं, एक्ने उभर के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मेल्स में टेस्टिस है, पेनिस है, और फीमेल्स में ओवरी है। जब फीमेल पैदा होती है बाय बर्थ ही उसकी ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, लेकिन इमेच्योर एग्स होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मच्योर होती है या फिर जैसे ही ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है तो वहाँ पे एक एक करके वो एग जो है वो मच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। दिस हैपन्स इन द गर्ल्स। बॉयज़ में क्या होता है, बॉयज़ में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे ये एज होती है जहाँ पे इनकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि फुल फ्लैश डेवलप नहीं होते बट इट इज़ स्टार्टिंग, स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस का, डेवलपमेंट का प्रोसेस इनमें। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी का मतलब है कि ये जो स्टेज होती है 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज, जिसको आप टीन एज बोलते हैं या एडोलेसेंस बोलते हैं, यहाँ पे बच्चा जो है वो उसके पास ग्रेटर, मतलब ग्रेटेस्ट बोलना चाहिए, कि सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है लर्न करने की, थिंक करने की, सोचने की। हम बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इस स्टेज में। तो इसलिए इस स्टेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेटर सिटीज़न बनना चाहते हैं उसके लिए हमारा एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इधर उधर की बातों में अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपनी स्टडीज़ से, अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमारा जो टारगेट है कि हमें क्या अचीव करना है लाइफ में, तो सबसे ज़्यादा जो वो बेनिफिट होता है हमें, वो इसी एज में होता है। बच्चा इस एज में सबसे ज़्यादा लर्न कर सकता है।